नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। पीएचडी में 28 विषयों के लिए 325 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। सबसे पहले हम जानते हैं किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, हिंदी विषय में 22 सीटें हैं, संस्कृत विषय में 16 सीटें हैं, अंग्रेजी में 25 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 20 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 24 सीटें हैं, हिस्ट्री में 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं, सोशोलॉजी में 21 सीटें हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में 4 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 8 सीटें हैं, होम साइंस में 11 सीटें हैं, म्यूजिक में 2 सीटें हैं, फिजिक्स में 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 26 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 12 सीटें हैं, बॉटनी में 12 सीटें हैं, जूलॉजी में 14 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, जियोलॉजी में 7 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट साइंस में 6 सीटें हैं, स्टेटिस्टिक्स में 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 7 सीटें हैं, कॉमर्स में 23 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 3 सीटें हैं, टूरिज्म में 5 सीटें हैं, एजुकेशन विषय में 10 सीटें हैं और लॉ में 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 325 सीटें हैं। इन सीटों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड द्वारा पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया गया है और इसमें रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट यानी RDET 2020 के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। RDET एग्जामिनेशन फीस जो है वो ₹2000 यूनिवर्सिटी द्वारा रखी गई है और पोर्टल का चार्ज यहाँ पर ₹50 रखा गया है। कुल मिलाकर ₹2050 यहाँ पर कैंडिडेट को फीस जमा करनी होगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी 2020 से प्रारंभ हो चुकी है और आप 20 मार्च 2020 तक आवेदन कर सकते है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब से होंगे इसके बारे में अभी यहां पर नहीं दिया गया है और यहां पर लिखा हुआ है विल बी अनाउंस्ड लेटर यानी कि बाद में घोषित किया जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ RDET एग्जामिनेशन जो है वो 5 अप्रैल 2020 रखी गई है और ये एग्जाम 12 बजे से 2 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो यहां पर डिटेल्ड यहां पर जानकारी दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 55% अंकों के साथ में पीजी किया है वे लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC आदि कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है और यदि उनके अंक 50% हैं तो भी वे यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन टू द PhD डिग्री प्रोग्राम। नंबर 1 थ्रू रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू प्रेजेंटेशन और डायरेक्ट एडमिशन RDET एग्जेम्प्टेड दैट इज विदाउट अपीयरिंग RDET बट इंटरव्यू कंपलसरी। तो यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू दोनों ही केसेस में होना है। पहली कंडीशन में कैंडिडेट को रिटन एंट्रेंस एग्जाम देना है, दूसरी कंडीशन में रिटन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आइए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो टू टेस्ट द रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट इन रिलेटेड सब्जेक्ट ए रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स यानी 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का यहां पर जो पेपर होने वाला है। पेपर शैल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे और 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा और कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो स्क्रूटनी रिवेल्युएशन ऑफ द आंसर शीट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पर आपको कोई स्क्रूटनी की सुविधा नहीं मिलेगी और ना ही आपकी आंसर शीट का यहाँ पर रिवेल्युएशन होगा। RDET विल बी फॉलोड बाई द इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ऑफ 100 मार्क्स एट द रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट विच विल बी कनेक्टेड बाय द HOD
एंड कन्वेंसर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इसके बाद में इंटरव्यू होगा, यहाँ पर इस बारे में बताया गया है। तो जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, साथ ही साथ जो रिटन एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें उनको रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जिस विषय में वे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस विषय से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। जनरल के लिए यहाँ पर 50% अंक क्वालिफाई करने के लिए कम से कम होने चाहिए, ओबीसी के लिए 45% होने चाहिए, एससी एसटी बीएच पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% अंक न्यूनतम होने चाहिए, तभी वे रिटन एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब जानते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर जीआरएफ और इक्विवेलेंस नेशनल टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विदाउट अपेयरिंग इन रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट बट शैल हैव टू अप्लाई फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलोंग विद द फीस विद इन ड्यू डेट। तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिली हुई है उनको भी आवेदन करना है और आवेदन शुल्क जमा करना है। यदि आप आवेदन करना चाहें तो आपको जाना होगा www.kunainital.ac.in की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुँचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नीचे एक लिंक दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिसर्च डिग्री पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आपको बहुत सारी लिंक दिखाई देंगे। इसमें देखिए सबसे पहले एक लिंक दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक सलाह है कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ठीक से पढ़ने के बाद ही आवेदन कीजिए। और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करने के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।